नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में अंतर क्या है। जैसे ये हमारा जाल बंधा हुआ है, ये ना तो सिंपल है और ना ही ये डबल जाल है, ना मतलब सिंगल जाल है और ना ही डबल जाल है, ये हमारा है टू वे जाल। टू वे जाल और वन वे जाल में फ़र्क क्या है? तो वन वे जाल है जो, वन वे जाल जैसे हमारा उस तरफ क्रैंक होगी, यहाँ आगे सामने वहाँ पे क्रैंक होगी, यहाँ पे होगी, इधर होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी। वन वे जाल में क्या है कि आपकी एक ही साइड में क्रैंक रहती है, मतलब एक ही वे में। जो हमारी वन वे स्लैप है तो उसमें जो हमारी क्रैंक है वो एक ही लाइन में आएंगी, और जो हमारा टू वे जाल है, जैसे हमारा ये है टू वे जाल, इसमें आप ये देखिए, ये हमारा टॉप है, ये वहाँ पे भी टॉप है, आगे भी ये टॉप है और उधर भी टॉप है। ये हमारा हो गया टू वे का, और जो दूसरी साइड हमारा मेन बार है, ये हमारा मेन बार चला गया, ये हमारा आगे से भी टॉप आएगा, यहाँ पे भी हमारा टॉप है और आगे भी हमारा टॉप ही रहेगा। और जो टू वे में हम टू वे क्रैंक जो हम बनाते हैं वो हम मेन के सरिए में भी बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के सरिए में भी बनाते हैं। तो दोस्तों वन वे स्लैप और टू वे स्लैप में यही फ़र्क है। और ये देखो, फिर उसके बाद जब हमारा टू वे स्लैप हम पूरा बांध देते हैं तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा बार देने पड़ते हैं, जैसे ये हमने दिए हैं, ये देख लो, ये देख रहे हो आप, ये हमारा एक्स्ट्रा बार है जो हमारी क्रैंक के ऊपर आया है। आपको इस तरीके से बांधना है टू वे जाल। वन वे जाल में हमारा जैसे उस तरफ से हमारा जो मेन का सरिया आएगा उसकी क्रैंक वहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और वहाँ पे लास्ट में वहाँ पे आएगी। तो इसमें मतलब एक ही वे में क्रैंक रहती है, जो है वन वे जाल। और जो हमारा टू वे जाल है उसमें हमारी एल बाई फोर क्रैंक आती है। जैसे ये रूम है, इसमें बीच में आपको डाउन दिख रहा है, ये बीच में डाउन है, साइडों में हमारा क्रैंक बनी हुई है, वहाँ पे बनी है, वो उधर वहाँ पे भी बनी है हमारी क्रैंक, यहाँ पे बनी है और यहाँ पे बनी है। दोस्तों ये है हमारा टू वे जाल। वन वे जाल की भी हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। धन्यवाद।